तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। जो कुकीज़ का प्रैक्टिकल होगा उस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सिर्फ नेटबीन्स लगेगा। नेटबीन्स स्टार्ट कर दिया के देन आपको क्या करना है, फाइल्स नेटबीन के अंदर जाने के बाद फाइल्स न्यू प्रोजेक्ट। फिर इन अ न्यू प्रोजेक्ट सेम हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि जावा वेब वेब एप्लीकेशन। ओके देन वेब एप्लीकेशन क्रिएट, सॉरी नेक्स्ट। यहाँ पे हम जैसे नेम देते हैं सो कुकीज इज एग्जाम्पल। ओके और कुकीज एग्जाम्पल कुकीज एग्जाम्पल नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश सिंपल। ओके देन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा कोडिंग पार्ट करना होगा। तो सिंपल द टाइटल है कुछ चेंज करते हैं, उसको कहते हैं कुकीज प्रैक्टिकल। ओके इससे कुछ मैटर नहीं होगा, सिर्फ हमें पता होना चाहिए इसके लिए, कुछ चेंज करते हैं। देन टू डू डिवीजन के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थर्ड इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट दैट इज एन दैट इज फॉर्म टैग। ओके फॉर्म टैग हमें यूज करना है, सो फॉर्म यूज करते हैं इसको। तो फॉर्म टैग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, सेम जो मेथड लिखते चलो कोड क्या है तो याद हो जाएगा। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। देन नेक्स्ट क्या यूज करेंगे हम, एक्शन। इन एक्शन इज इक्वल टू हमें कौन से पेज के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना है, तो कुकीज सर्वलेट। जो हम कुकीज का सर्वलेट क्रिएट करेंगे उस पर्पज़ के लिए हम करने वाले। सो देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जैसे कि लॉग इन फॉर्म क्रिएट नहीं करते, सिर्फ लॉग इन फॉर्म मेंशन करते कीवर्ड कि जब आप इफ आपको करना है तो लॉग इन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो काउंट करने के लिए। लॉग इन फॉर्म एंड देन उसका जो सबमिट बटन होगा, ये बटन के लिए क्या करते हैं हम, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। ओके देन वैल्यू लॉग इन एंड देन इसको क्लोज। तो सिंपल पेज समझ में आया क्या होगा, यहाँ पे लॉग इन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपको लिखना है, स्पेसिफिकली सिर्फ रिडायरेक्ट करना है उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करें। इन सेंस कुकीज़ का एग्जांपल हम दे सकें कि कुकीज़ किस तरह से वर्क होता है। ओके तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा सर्वलेट होगा इस नाम से क्या करना है, एक सर्वलेट क्रिएट करना है। तो क्रिएट सर्वलेट सर्वलेट क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक, तो जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर न्यू सर्वलेट। ओके सेम नेम जो हमने एक्शन के अंदर दिया है। ओके नेक्स्ट फिनिश। ओके क्रिएट हो गया। ओके देन यहाँ पे याद रखो कि हमें तीन फाइल इंपोर्ट करना है, सो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ इनपुट आउटपुट डॉट स्टार। ओके देन सेकेंड फाइल जैसे इम्पोर्ट जावा सर्वलेट जावा डॉट सर्वलेट डॉट स्टार।
सॉरी, जावा ने जावा एक से ये सर्वलेट जावा एक के अंदर कंसील होता है। देन नेक्स्ट दैट इज अ इम्पोर्ट जावा एक सर्वलेट डॉट HTTP जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टार। ये तीन फाइल हमने इंपोर्ट कर दी। के सबको दिख रहे तीन फाइल, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट सॉरी जावा डॉट आईओ डॉट स्टार सेमी कोलन, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार सेमी कोलन, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट कुकीज डॉट स्टार। ओके, ये फाइल हमने इम्पोर्ट कर दी। देन नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस करना है, कहाँ पे हम कहेंगे प्रोसेस रिक्वेस्ट। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, दैट इज प्राइवेट प्राइवेट इंट कुछ भी नाम दो, जस्ट लाइक आई सेमी कोलन। ओके, एक इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे विथ वैल्यू इज इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब हम इसको रन करेंगे तभी हम क्या करेंगे, काउंट करने के लिए, जस्ट लाइक काउंटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। सो इसके लिए यहाँ पे वैल्यू हमने क्या की, 1 असाइन कर दी। देन नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस जो भी हमें परफॉर्म करने, तो यहाँ पे करेंगे टू डू एक्शन स्पेसिफिकली। सो इसके लिए स्ट्रिंग के इज इक्वल टू स्पेसिफिक जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करने वाले, तो स्ट्रिंग के इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई। स्पेसिफिकली आई की वैल्यू क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हम के अंदर स्टोर करेंगे। देन उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इन जो स्ट्रिंग वैल्यू थी हम कहाँ पे पास करने वाले, हमारे कुकीज के अंदर। तो कुकीज सी इक्वल टू न्यू, ओ एक ज्यादा हो गया शायद से, कुकी सी इज इक्वल टू कुकी ब्रैकेट में क्या था, यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन के दो पैरामीटर्स दिए थे, जस्ट लाइक विजिट कॉमा के इन द सेंस के की वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे। सेकेंड क्या पे का तो कोई मेथड तो नहीं रहेगा। सेम स्टेटमेंट है तो भी क्यों एरर दिखा रहा है। कंप्लीट करते बाद में देखते जो भी एरर है, पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करते सभी। देन नेक्स्ट दैट इज एन रिस्पॉन्स डॉट एड कुकीज, तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे पास सी। देन नेक्स्ट इंट जे, ओके काउंट करना पड़ेगा हमें स्पेसिफिकली जो नंबर्स ऑफ टाइम्स हम यहाँ पे असाइन करने वाले, तो
जे इज इक्वल टू इंटीग्रल डॉट पल्स इंट आई कैपिटल करो यहाँ पे इंटीजर डॉट पल्स इंट विथ वैल्यू सी डॉट गेट वैल्यू। ये सी डॉट गेट वैल्यू हम यहाँ पे क्यों करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके सो देन नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू गेट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी जो करंटली वैल्यू होगी हमारे इंटीजर की, जिन काउंट जो भी हम करने वाले हैं वैल्यू उस काउंट के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू होगी वो गेट गेट वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे आ जाएगी। देन इफ में जे इक्वल टू वन, ये वैल्यू वन होगी तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, जैसे लाइक उसके लिए आउट डॉट प्रिंट एल एन बेसिकली इसके अंदर क्या वैल्यू मेंशन करेंगे, यूअर सॉरी यू विजिटेड दिस पेज फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम विजिट किया इसके लिए फर्स्ट टाइम का मैसेज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके एल्स इफ जो यूज़र है हमारा ये जो मल्टीपल टाइम्स विजिट करेगा, ओके मल्टीपल टाइम्स विजिट करने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे एल्स कंडीशन। ओके देन उसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड होगी हमारी सिंक्रोनाइज ऑफ कुकीज सर्वलेट डॉट दिस, जो आपका सर्वलेट का नाम है उसको सिंक्रोनाइज करेगा, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको गेट करेगा मुझे फाइंड आउट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आउट डॉट प्रिंट एल एन। देन सेम स्टेटमेंट हम यहाँ से लेते हैं यू विजिटेड दिस पेज एट कितने टाइम्स के लिए उतना टाइम से यहाँ पे आ जाएगा। ओके फर्स्ट टाइम है तो इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट टाइम को विजिटेड दिस पेज, यहाँ पे जो नंबर होगा जैसे लाइक प्लस 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 जे की वैल्यू जो भी होगी एंड यहाँ पे उतनी टाइम्स आपको वैल्यू मिल जाएगी। इन द सेंस जितने भी नंबर्स ऑफ टाइम्स आप यहाँ पे विजिट करोगे जस्ट लाइक जे की वैल्यू डालो या आई की वैल्यू डालो कोई प्रॉब्लम नहीं कि उतने टाइम्स आप यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंड देन देन लास्ट ईच एंड एवरी टाइम जब भी हम विजिट करेंगे देन इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे आई प्लस प्लस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इतना ही कोड आपको करना है इसके अंदर एंड जो हेडर फाइल्स हमने देखे थे तीन हेडर फाइल्स इतना सा कोड। ओके इसको सेव करते हैं बाय ओके सेव करने के बाद इसको रन करेंगे रन फिर रन करने के बाद वही जो सिर्फ नेम आएगा लॉगिन फॉर्म एंड एक सबमिट बटन या लॉगिन बटन उसके अकॉर्डिंगली जब भी आप उसको क्लिक करोगे देन गोज टू अ नेक्स्ट पेज एंड जो काउंट है वो आपको काउंट बताएगा। इसके अकॉर्डिंगली क्या है एक चीज़ हमें पता चलेगी जैसे कि हमने बताया था कल यूज के अंदर कि नंबर्स ऑफ विजिट कि कितने विजिट हुए हमारे स्पेसिफिकली वेब पेज के ऊपर ये हम क्या करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे। तो काउंट करते फर्स्ट टाइम देन बैक सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ फिफ्थ ऐसे जितने भी नंबर्स ऑफ टाइम्स हमने विजिट किया होगा या नंबर्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काउंट करेंगे। ओके इफ और एक इसके अंदर हम कंडीशन देखते हैं इफ हमने इसको क्लोज कर दिया क्लोज करने के बाद अगेन हम इसको रन करेंगे तो नंबर क्या आएगा एनी आइडिया नंबर क्या आ सकता है इसके अंदर। ओके राइट नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसको लॉग इन करेंगे तो जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा
दैट इज नंबर सिक्स या नंबर सेवन. ओके ओके, कौन से कंडीशन में ये वैल्यू रीसेट होगी, कौन बता सकता है? स्पेसिफिकली ये जो वैल्यू है रीसेट कब होगी, इट्स लाइक वन से वैल्यू कब स्टार्ट होगी? सेम पीसी के ऊपर मुझे रन करना है तो भी मुझे ये वैल्यू वन से चाहिए, कब होगी? एक ट्राई करते कि जैसे लाइक हम इसके ब्राउजर को चेंज करते कॉपी, एंड जैसे लाइक कि यहाँ पे दूसरा ब्राउजर यूज करते हम, तो क्रोम के ऊपर इसको रन करके देखते, ब्राउजर चेंज करके देखते फॉर टेस्टिंग पर्पस कि जैसे लाइक कि क्या आउटपुट आ सकता है. तो इसके अंदर अगेन लॉग इन फॉर्म, यहाँ पे भी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई. ओके, जैसे लाइक नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है कि जैसे लाइक 9 10. ओके, तो कोई भी ब्राउजर होगा इन द सेंस सेम ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर है आपके सिस्टम के अंदर, तो जितने टाइम्स आप इसको रन करोगे उतने टाइम्स वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी. ओके, सिंपल प्रैक्टिकल है. कोई डाउट इसके अंदर, इफ आपको इस प्रैक्टिकल में कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इफ कोई वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.